जुबान का नाम सुनते ही जहन में जो तस्वीरें आती हैं उनमें हर तस्वीर बेइंतहा क्रूरता की कहानी कहती है। बात बात पर महिलाओं को सरेआम सजा देना, मासूमों को गोली मार देना, पुरुषों को पत्थर मार मार कर मौत के हवाले कर देना, तालिबान की क्रूरता के ऐसे तमाम सबूत हैं जो उसकी वापसी के साथ ही लोगों को फिर डरा रहे हैं। नहीं जा सकता हूँ डर की वजह से, जान खतरे है। अफगानिस्तान की धरती तालिबान के आतंक से एक बार फिर बुरी तरह कांप रही है। करीब 3 दशक पहले दुनिया के सामने आतंक का सबसे खूंखार रूप सामने आया था, नाम था तालिबान। कहने को भले ही तालिब का मतलब छात्र है, लेकिन ये आतंक की वो नर्सरी है जो अपने ही वतन के लोगों को या तो सरेआम मार देते हैं या उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करते हैं। काबुल में तालिबान के आतंकियों के कदम पड़ते ही अफगानिस्तान की एक बच्ची का रोते हुए बनाया गया वीडियो वायरल हो गया। ये बच्ची सारी दुनिया को बता रही है कि अफगानियों के लिए तालिबान के शासन का मतलब क्या है। من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام نگه دارم، مجبورم هی تمیلشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم نمیریم. अफगानिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तालिबान के राज में यहाँ की बच्चियों का दर्द बयां करते हुए उसके खौफ को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि तालिबान अपने ही लोगों पर जिस तरह के जुल्मों के लिए बदनाम है उसके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में लोगों को ये वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो वहाँ पे शांति और सुरक्षा मुहैया कराएंगे, साथ ही शरिया कानून को बहुत ही साधारण तौर पर लागू भी करेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान के लोग के लिए तालिबान एक सरदर्द साबित हुआ, क्योंकि उसने शरिया कानून के तहत जिस तरीके से औरतों पर जुल्म किए उन जुल्मों को सोचकर आज भी अफगानिस्तान की औरतें जो हैं वो कांप उठती है। औरतों और बच्चों का सरेआम कत्ल करना अफगानिस्तान में तालिबान अपना हक समझते हैं और दुनिया में सबसे क्रूर सजा देने के लिए तालिबान बदनाम है। तालिबान हमेशा से शरिया कानून की हिमायत करता रहा है, यहाँ तक कि वो इस्लाम का हवाला देकर शरिया के मुताबिक अफगानिस्तान के लोगों की जीवन शैली को पाबंदियों के जुल्म तले रौंदने लगता है। 1996 में शासन में आने के बाद कई सख्त कानून बनाए, महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का सख्त फरमान है, अफगानी महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं है, किसी पुरुष के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार, महिलाएं किसी पुरुष डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा सकती, टीवी म्यूजिक और सिनेमा पर पूरी तरह पाबंदी है, 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक थी, किसी भी फरमान को न मानने पर महिलाओं की सरेआम पिटाई होती है, तालिबान के राज में पुरुषों के लिए दाढ़ी बढ़ाना जरूरी है। एक सर्वे में दावा किया गया है कि 97% अफगानी महिलाएं डिप्रेशन का शिकार है। तालिबान की क्रूरता और उनकी शरिया पर निर्धारित जो आइडियोलॉजी है वो अपने आप में अच्छे संकेत नहीं है, ना तो वो अफगानिस्तान के लिए और ना ही पड़ोसी देशों के लिए, ना विश्व के लिए। शायद इसीलिए आज देखें, आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। तालिबान सजा देने के बेहद क्रूर तरीकों की वजह से अफगान समाज में नापसंद किया जाने लगा। घर में गर्ल स्कूल चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती थी। प्रेमी के साथ भागकर निकाह करने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। गलती से बुरके से पैर भी दिख जाए तो कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को सरेआम पीटा जाता था।
तालिबान के आतंकियों के बारे में कहा जाता है कि वो महिलाओं पर पाबंदियों को लेकर काफी सख्त रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने बनाए हुए कथित कानून को तोड़ने पर महिलाओं पर अलग अलग तरह से जुल्म करते हैं और फिर वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करते हुए बाकी लोगों को ये संदेश देते हैं कि वो ऐसा करने की भूल ना करें। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन सौ बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।